बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज वोलेटाइल ऑयल्स की केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ये बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा वोलेटाइल ऑयल को याद करना, क्योंकि आपको पता है कि फार्माकोग्नोजी में मेन जो है वो ड्रग्स ही हैं। वो किस उसका बोटैनिकल ओरिजिन क्या है, आपको पता है बायो में पूछते हैं बोटैनिकल रीजन के बारे में पूछते हैं, उनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, समटाइम्स उनके एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में पूछते हैं। इसी तरह थर्ड ईयर में आपको पता है कि फार्माकोग्नोजी में स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स तो नहीं बनाए, लेकिन मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का पोर्शन छोड़ दिया हुआ है। तो अगर आप जब इसको प्रिंट करवाओगे, तो अगर आप स्ट्रक्चर्स पोर्शन में स्ट्रक्चर ड्रा कर लोगे, तो ये आपका कम्प्लीट बन जाएगा इंशाल्लाह। तो आज हम वोलेटाइल ऑयल्स की केमिकल क्लासिफिकेशन को टेबल फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि वैसे जनरली हम इसको मेन तो हमने याद ही करना है, लेकिन जब हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में देखो इसे, अब इसको टेबल की फॉर्म में आ जाएगा ना, तो हमें याद करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। हमें फिर पता होता है कि ये वाली ड्रग किस फैमिली से बिलोंग कर रही थी, तो ऊपर वाले जो मैंने पढ़ के आए हो तो वो किस फैमिली से बिलोंग कर रही थी। जब एक ही पेज पर टेबलेट फॉर्म में होगा तो हमें समझना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि केमिकल क्लासिफिकेशन में हम इसको क्लासिफाई करते हैं एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की दो एग्जांपल हैं, क्यूबब हाइड्रोकार्बन है और टर्पेंटाइन ऑयल। इस तरह अल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल्स हैं, इसमें पेपरमेंट ऑयल है, कोरिएंडर है, कार्डमोम है। इन सब को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, इनका बोटैनिकल ओरिजिन भी पढ़ेंगे, फैमिली भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इनके कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह भी पढ़ेंगे। उसके बाद है एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल्स हैं, उसके अंदर बिटर ऑरेंज पील आता है, स्वीट ऑरेंज पील आता है, लेमन इसके अंदर आता है, सिनामोन इसके अंदर आता है, बिटर एलमंड ऑयल। ये केमिकल क्लासिफिकेशन याद करना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बिटर ऑरेंज पील जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। नीचे फॉर चार ऑप्शंस आए होंगे, अल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल, एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल, कीटोनिक वोलेटाइल ऑयल, इस तरह। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इस तरह आपको ये समझ आ गया होगा, ये टेबल आप ये देखना बहुत ही आसान है, मुझे अब इसको बारी बारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल है फॉर एग्जांपल, तो वो उसमें अंदर यूक्लिप्टस और चिनोपोडियम जो है वो ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल से बिलोंग करता है। ये एक टेबल की फॉर्म में बनाने का मकसद यही है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। मैं एक दो बस आपको रीड आउट कर दूँ, बाकी आपने इसको याद ही करना है इंशाल्लाह। तो आप इसका मैं इसका ना इंशाल्लाह आज से इसकी जो पिक्चर्स हैं उसको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा इंशाल्लाह, तो आप उसको वहाँ से जाके डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले आता है लिमोनिन और पीसाइमीन। लिमोनिन और पीसाइमीन आप कह लो कि मेन कंपोनेंट है मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वोलेटाइल ऑयल। ये वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है लिमोनिन और पीसाइमीन, ठीक है। इसकी एग्जांपल में अब कौन कौन से फ्रूट्स में प्रेजेंट है ये देखो। अच्छा, जो पहला वाला है ना, पहली ड्रग, ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है कि मैंने जो बीटा बोटैनिकल ओरिजिन में इसकी अक्रेंस को लिखा हुआ है और इसके यूजेज इस तरह के एक्सट्रैक्शन में मैंने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है ना, वो मैंने उसके ऊपर हेडिंग पे बना के लिख दिया हुआ है, ताकि आपको समझ याद रहे कि यार ये इसमें मैंने इस तरह क्यों लिखा हुआ है ना। तो हम इसको बार बार डिस्कस भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो पहली बात तो आपने ये याद रखना है कि लिमोनिन और पीसाइमीन जो है वो वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है एज अ कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अब देखो ये किस किस वोलेटाइल ऑयल के कंपोनेंट में प्रेजेंट है। ये सिट्रस फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मिंट के अंदर, कड़ावे जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स में लिमोनिन और पीसाइमीन आएगा। इस तरह ये कार्डमोम के अंदर प्रेजेंट है, कोरिएंडर के अंदर प्रेजेंट है, थाइम के अंदर प्रेजेंट है, और मैनी अदर्स के अंदर ये एज अ कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, ये कंस्टिट्यूएंट के तौर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो पीसाइमीन है वो कड़ावे, कार्डमोम, कोरिएंडर और थाइम के अंदर प्रेजेंट है, और जबकि जो लिमोनिन है वो मेजर कंपोनेंट है लेमन पील ऑयल का। लेमन पील ऑयल हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको लिमोनिन और पीसाइमीन की समझ आ गई होगी। कि आपने ये सबसे ऊपर लिखने का मकसद यही था कि अगर ये आपको समझ आ जाए कि ये इसका मेन कंपोनेंट है वोलेटाइल ऑयल्स का। उसके बाद टर्पेंटाइन ऑयल है, टर्पेंटाइन ऑयल का बोटैनिकल ओरिजिन है पाइनस पेलस्ट्रियस और पाइनस स्पीशीज, इसका बोटैनिकल ओरिजिन है। इसकी फैमिली यहाँ पर लिखी नहीं है, इसका फैमिली है पाइनेशिया, पाइनेशिया इसकी फैमिली है, पाइनेशिया। आप इसको मैंने बोल दिया, आपको सर्च कर लेना या खुद यहाँ पर लिख लेना इंशाल्लाह। पाइनेशिया इसकी फैमिली है। उसके बाद इसके कंस्टिट्यूएंट्स पता है, बाईसाइक्लिक मोनोटर्पीन्स है, अल्फा पिनीन है, बीटा पिनीन है और अदर टर्पीन है। ये जो है वोलेटाइल ऑयल वो थर्ड ईयर कोग्नोजी से बिलोंग करता है, तो हमें थर्ड ईयर में इनके स्ट्रक्चर्स भी करवाए हैं, अल्फा पिनीन के, बीटा पिनीन के, मोनोटर्पीन्स के,
तो अगर आपको भी कराएं तो आप जो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लिख लेना आप, तो आपको आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके यूजेस के अंदर आता है, हम इसको लिनामेंट में एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर और एलिक्सर्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह बाकी ड्रग्स के भी मैंने लिखे हुए हैं इंशाल्लाह, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह पेपर, यह मैंने इसका एक्सट्रैक्शन मेथड भी लिखा हुआ है, किसी किसी में एक्सट्रैक्शन मेथड लिखा हुआ है, किसी में इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। जिनकी जिनका एक्सट्रैक्शन मेथड नहीं लिखा हुआ, उनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। तो जब हम इनका इंशाल्लाह मैं इसके एक्सट्रैक्शन मेथड पर भी वीडियो बनाऊंगा कि वोलेटाइल ऑयल इसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो पेपरमेंट ऑयल, अब पेपरमेंट ऑयल क्या है? पेपरमेंट ऑयल का जो बोटैनिकल ओरिजिन है उसके उसे कहते हैं ड्राइड लीव्स ऑफ मेंथा पाइपरिटा, इसका बोटैनिकल ओरिजिन है। लबाइटा इसकी फैमिली है, ये इसके कंस्टिट्यूएंट्स है। इसमें मेंथोल है, मेंथोन है, आइसोमेंथोल है, आइसोमेंथोन है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है, ये इसके बारे में आप लाजमी सर्च करना कि इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है। तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इसके साथ क्यों लिखा हुआ है। तो उसके बाद है इसके यूजेस के अंदर आ जाता है, फ्लेवरिंग के हम अंदर इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बोनेटिव के तौर पर, स्टिमुलेंट के तौर पर, काउंटर इरिटेंट के तौर पर, च्युइंगम फ्लेवर और माउथ फ्रेशनर। इसी तरह मैंने बाकी ड्रग्स का भी लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रीडिंग करने की ज़रूरत है, वीडियो को लंबा करने की ज़रूरत है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। मेन आपको फार्माकोग्नोजी को याद ही करना पड़ेगा। अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आएगा तो आप उसका गूगल कर लेना, उसका वर्ड समझ लेना, ठीक है। बजाय इसके कि मैं आपको पूरा रीड आउट करके बताऊं कि यार इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको मैं ये जो पिक्चर है, जो ये मैंने टेबल की फॉर्म में बनाया हुआ है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना, और मेन आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा काम था आपको आसानी पैदा करना ना। को फार्माकोग्नोसी में मेन ये कि आपको कोई एक डायरेक्शन मिल जाए कि यार इसको याद कैसे करना है। जब आपको डायरेक्शन मिल जाएगी तो फिर आपको इंशाल्लाह याद करना आसान हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। एक पिक्चर ये वाली है और दूसरी पिक्चर है इसके साथ ही मैंने बनाई थी, एक ये वाली है, मतलब दो दो पिक्चर्स होंगी, क्योंकि इसके वोलेटाइल और इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो ड्रग्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। टूलोबालसम है, पीडोबालसम है, स्टोरेक्स है, तो इसकी जो है क्लासिफिकेशन ज़्यादा है। तो इस दोनों की पिक्चर्स मैं दे दूंगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इसमें मैंने इनके रोजिन कैप्सिकम नहीं, इसके अंदर नहीं आता, सॉरी। अच्छा, ये मैंने जो ये वाली पिक्चर है ये मैंने ओपन कर दिया, उसकी टेनिंस की, तो मैं खाली टेनिंस किया कैप्सिकम वगैरह, या अगर इसकी हुई तो मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। अल्लाह का, इसी के अंदर आता है, हाँ वो टेनिंस की है ये वाली पिक्चर, जो रोजिन और कैप्सिकम वगैरह, ये टेनिंस के अंदर आता है। मैं जो इसका दूसरा पार्ट है ना, वोलेटाइल ऑयल्स का, वो भी दूसरी पिक्चर है, वो भी उसके साथ अटैच कर चुके हैं इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।